हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई लोगों, पोकेमोन गो में एक नई रिसर्च आ चुकी है गाइस। शैडो म्यूटू इज बैक एंड यू विल कैच शैडो म्यूटू। सो गाइस, करना क्या है, अगर आप जाएंगे यहाँ पर, पता नहीं यहाँ दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, मैंने चेक नहीं किया गाइस। कहाँ जा रहा हूँ, न्यूज़ में जाना है गाइस। आपको सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं गाइस, मैं आपके लिए सिर्फ पढ़ देता हूँ उसको फटाफट से। तो यहाँ ब्लॉग में क्लिक करते हैं, बहुत लंबा ब्लॉग है गाइस। तो इस ब्लॉग में सब कुछ लिखा हुआ है गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस स्ट्रेंच एग के बारे में गाइस। स्ट्रेंच एग क्या है गाइस, जिस पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है गाइस, छोटी सी वीडियो बनाई थी गाइस। स्ट्रेंच एग में से काफ़ी रेयर पोकेमोन मिलने वाले हैं गाइस, जो कि पोकेमोन गो में पहले नहीं मिलते थे गाइस। आपको लेविटार, स्क्रैगी, ट्रूविश, बुलेवी, ये पोकेमोन गाइस मिलने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, ये सारे डार्क टाइप पोकेमोन है गाइस, तो ये मिलेंगे आपको वहाँ पर। उसके बाद गाइस, जो इसमें से एग्स मिलने वाले हैं जब हम लोग हराएंगे इनके लीडर्स को गाइस, जैसे कि आपका आर्लो हो गया, सीरा हो गया, क्लिफ हो गया, जब हम लोग इनको हराएंगे तो हम लोग को मिलेगा एक 12 किलोमीटर का अंडा गाइस। जो 12 किलोमीटर का एग होगा गाइस, उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेंच एग। और जो मैंने बताया था, वो वाले पोकेमोन्स वहाँ से मिलेंगे, ठीक है गाइस। और ये भी लिखा है कि ये पोकेमोन आगे इन फ्यूचर भी मिलते रहेंगे। इस इवेंट में तो मिल ही रहे हैं, आगे भी मिलेंगे गाइस। बट अभी जो इवेंट चल रहा है, इस इवेंट में अगर हम लोग इन पोकेमोन को इनक्यूबेटर में रखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ये काफ़ी जल्दी हैच होंगे गाइस, ठीक है। सो गाइस, मार्च के बाद मैंने कहा था ना कि एक रिसर्च आती है, टाइम लिमिट रिसर्च, टाइम लिमिट बोल रहा था नहीं, द शेडो थ्रेड्स एक करके रिसर्च आती है, स्पेशल रिसर्च आती है गाइस। तो वो रिसर्च जिन लोगों ने कर लिए, उन लोगों को नए मिशन मिलने वाले हैं, जिस मिशन को कंप्लीट करने पे आपको मिलेगा शेडो म्यूटू गाइस, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे, उससे पहले थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं गाइस। तो जैसे कि पॉइजन डार्क टाइप पोकेमोन अपीयर होने वाले हैं गाइस, तो टीम को रॉकेट से, तो वो तो आपको पता ही है गाइस कौन कौन से होने वाले हैं। तो इस बार क्या होने वाला गाइस, कुछ शाइनी भी अपीयर होंगे गाइस। शाइनी में कौन कौन हो सकता है गाइस, शाइनी में आपका ड्रोजी हो सकता है, ओमिनेट हो सकता है, ग्रोलित हो सकता है, इनके शाइनी भी मिल सकते हैं गाइस, ठीक है। और गाइस, इनके जो कपड़े लिखते हैं वो सब मतलब लिखा हुआ है, देख लेना आप लोग, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में गाइस, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, ये इवेंट एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है, मंडे से स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो अपने इंडिया में तो आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे है ना आज, हाँ, तो अपने इंडिया में आज से स्टार्ट हुआ है गाइस। तो यहाँ पर अपन को अब क्या करना है, शेडो म्यूटू को बचाना है गोविनी से, मतलब ये एक समझ जाओ भाई, बहुत सिंपल सा मिशन होने वाला है गाइस। इसमें बताने वाली कोई बात नहीं, आप लोग को पता है गाइस। सो गाइस, अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना है गाइस। तो अब मेरे को क्या दिक्कत ये है गाइस, छोटी सी दिक्कत है गाइस। अभी यहाँ पर एक रिमोट रेड पास हथिया लिया जाए गाइस, तो ये ओके, बाद में लेंगे, बाद में बाद। तो यहाँ पर देखेंगे गाइस, न्यू आइटम्स आ चुके हैं, ये तो अलग है। टॉप्स में होगा गाइस, टॉप्स में भी नहीं है, ओके, काफ़ी महंगे हैं गाइस, ये तो बहुत महंगा गाइस, बहुत महंगा है। इतने में भैया रिमोट रेड पास ले ले, हम कपड़े के इतने शौकीन नहीं है गाइस। ओके गाइस, तो अभी देखो गाइस, यहाँ पर अगर हम लोग रिसर्च में चल देंगे, तो जो रिसर्च चाहिए गाइस, वो रिसर्च हर कोई बंदा नहीं कर सकता गाइस। जिन लोगों के घर के पास पॉकी स्टॉप्स नहीं है, वो लोग ये रिसर्च कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे गाइस, वो लोग मुझे नहीं पता क्या करेंगे गाइस, बट ये रिसर्च लाइफ टाइम के लिए, तो टेंशन की बात नहीं है गाइस। बट शेडो म्यूटू लाइफ टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी रिसर्च आई है गाइस, और ये रिसर्च बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, ठीक है। जब हम लोग ये रिसर्च कंप्लीट करेंगे तभी हमको मिलेगा। देखो गाइस, अगर शेडो म्यूटू हम लोग को रिसर्च से मिल रहा है गाइस, तो बढ़िया है गाइस। अगर शेडो म्यूटू का इनकाउंटर होने वाला है तो नहीं गाइस। तो यहाँ पर लिखा है चांस टू रेस्क्यू शेडो म्यूटू, मतलब शेडो म्यूटू गोविनी के पास होगा गाइस, शायद, इतना श्योर नहीं हूँ मैं। अगर गोविनी के पास शेडो म्यूटू है गाइस, तो गाइस दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब हम लोग उसको इनकाउंटर करेंगे कई टाइम बाद, तो पोकेमोन चेंज हो जाते हैं उसके पास। लेट्स सी गाइस, देखते हैं वो आगे की बात। बाकी आप लोगों को पोकी स्टॉप स्पिन करने हैं गाइस, तो आप लोगों के लिए एक आइडिया है, डिस्कॉर्ड में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आप लोग अपनी आइडियों को फेसबुक से कनेक्ट कर लो और कहीं भी शेयर कर सकते हो गाइस, ठीक है। बट देख लेना गाइस, ट्रस्ट वाले लोगों से करना शेयर, खासकर जो लोग आपके क्लोज दोस्त हो, या फिर जो लोग
मेरे को भी जानते हो गाइस, ठीक है। ऐसे किसी रैंडम बंदे से मैं शेयर करना अपनी आईडी, पहले ही बोल देता हूँ गाइस, क्योंकि आइडियाँ हैक हो जाती हैं। तो पॉकी स्टॉप स्पिन करने के लिए आप देख लेना भाई लोगों, है ना, किसी तो गाइज अभी इस वीडियो में इतना ही है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज एवरीबॉडी, शैडो म्यूटू आने वाला है। कौन सा लेजेंडरी पोकेमॉन आएगा? तो शैडो म्यूटू आ रहा है गाइज। तो कैसा लगा आपको ये बताना गाइज, और थंबनेल में जो पोकेमॉन देखें वो भी आ रहे हैं गाइज, मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे हम लोग। चलो गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड शैडो म्यूटू के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज़।